वैसे तो छोटे पर्दे पर बहुत से मल्टी टैलेंटेड स्टार्स सालों से काम कर रहे हैं, पर उनमें से 7 टीवी स्टार्स तो ऐसे भी हैं जिनका टीवी की दुनिया से नाता ही टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वही 7 दमदार टीवी स्टार्स अब सालों बाद टीवी पर नजर आएंगे? इसीलिए उनके नए शो को लेकर आए जबरदस्त अपडेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वो कब, किस शो के साथ और कैसे टीवी पर कमबैक करेंगे। तो फिर आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में। नंबर 1, शोएब इब्राहिम। जी हाँ, ससुराल सिमर का फेम एक्टर शोएब इब्राहिम तकरीबन 3.5 साल के लंबे वक्त के बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं, वो भी अजूनी नाम के नए शो के साथ, जिसमें ये राजवीर नाम के पंजाबी लड़के का किरदार निभाएंगे। नंबर 2, शिफाली शर्मा। बानी इश्क दा कलमा और दिया और बाती हम शो में अपना जलवा दिखा चुकी एक्ट्रेस शिफाली शर्मा भी जी टीवी के नए शो संयोग में नजर आएंगी, जिसके जरिए टीवी पर पूरे 6 साल बाद कमबैक करेंगी। नंबर 3, पल्लवी पुरी। वहीं काफी लंबे वक्त के बाद एक्टर पल्लवी पुरी भी टीवी पर कलर्स टीवी के नए शो संसार के साथ वापसी कर रहे हैं, जो कि एक मशहूर फिल्म राजा बाबू से इंस्पायर्ड है, जिन्हें देखने के लिए फैंस काफी खुश हैं। नंबर 4, माहिका शर्मा। टीवी और बॉलीवुड जगत की मशहूर अदाकारा माहिका शर्मा भी कई साल बाद टीवी पर एकता कपूर के नए शो संसार के साथ लौट रही हैं, जिसमें अभिनेता पल्लवी पुरी के अपोजिट नजर आएंगी। नंबर 5, जिया शंकर। आखिरी बार कांटे लाल एंड सन्स शो में नजर आई एक्ट्रेस जिया कपूर तो एकता के नए शो पिशाचनी में नजर आने वाली हैं, जिसमें ये एक शॉर्ट ब्रेक के बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं। नंबर 6, अरुणा ईरानी। टीवी के साथ साथ बॉलीवुड का चमचमाता सितारा बनी अरुणा ईरानी की तो टीवी लिस्ट बहुत लंबी है, पर लंबे वक्त के बाद ये भी टीवी पर एक बार फिर से संसार शो के जरिए वापसी कर रही हैं, जिसमें एक अच्छी माँ का किरदार प्ले करेंगी। नंबर 7, आलोक नाथ। विदाई सीरियल में एक अच्छे पिता का रोल निभाकर घर घर मशहूर हुए अभिनेता आलोक नाथ भी एकता कपूर के नए शो संसार से टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। खबरें हैं कि ये शो में पल्लवी पुरी के पिता का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। वेल दोस्तों, किन स्टार्स की वापसी की खुशी आपको सबसे ज्यादा है, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।